अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अस्मा अजीम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं यहाँ बड़े आराम से बैठी हुई थी और अपनी एक बुक पढ़ रही थी, तो अचानक अजीम का फ़ोन आ गया और वो कह रहे हैं कि डिनर में कुछ ऐसा बनाइए जो पाकिस्तानी भी हो और डिफरेंट भी हो। अब मैं काफ़ी देर से बैठी सोच रही थी कि डिनर में ऐसा क्या बनाया जाए जो डिफरेंट भी हो और पाकिस्तानी भी हो। सो फाइनली हमने अब ये डिसाइड किया है कि हम बनाएंगे आज नथिया गली का पटाखा चिकन। तो पटाखा चिकन बना रहे हैं हम लोग डिनर में और सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। लेकिन बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट किया कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाइए। तो चले बनाते हैं पटाखा चिकन। चलिए आइए बनाते हैं। ये पूरा एक फुल चिकन है और इसे हम दरमियान में से काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से दरमियान में से हम काटेंगे और ताकि ये पूरा चिकन जो है वो खुल जाए। और ये देखिए, ये मैंने पूरा चिकन जो है ऐसे दरमियान से इस तरीके से काट के और फैला देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने दो चिकन लिए हैं और ये दोनों चिकन मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। यहाँ पे पूरा चिकन दिया है। एक चिकन का यहाँ हिसाब जो मैं बता रही हूँ उसके स्पून लिए हैं। इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 4 बड़े चम्मच लिए हैं सिरके के, 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिए हैं लाल कुटी हुई मिर्च, और एक पूरा लेमन लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं नमक के। इसके साथ मैंने लूँगी 2 से 3 चम्मच और उनको करेंगे मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं पटाखा चिकन। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और फिर हम डालेंगे सिरका और इसके साथ ही हम लेमन को, मैंने लेमन डालेंगे, स्क्वीज कर देंगे। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगाएंगे चिकन पर। तो हमने चिकन पर लगा लिया अच्छी तरीके से और इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब हमने फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में मैंने और अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। और ये हमारा चिकन गया तेल में। जब चिकन एक साइड से पक जाएगा तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे। और ये हमने इसका साइड चेंज किया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है चिकन हमारा, चिकन पटाखा। और जनाब हमारा चिकन पटाखा रेडी है। सो फाइनली हमारा पटाखा चिकन रेडी हो गया है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाला है इसके, थोड़ा सा सैलड काट लिया है, स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स रखे हैं, मिंट चटनी और गार्लिक सॉस के साथ। बहुत मज़ेदार ये पटाखा चिकन है। मैं अजीम का वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे अब मैं ले रही हूँ इजाज़त। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।